ये पूरे रोड पे अपने ऑटो स्थिति में जरूरत पड़ती है। ऑटो सीट अपने यहाँ पर जो मैनुअल कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल ही काम नहीं करते, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कॉन्ट्रैक्टर अगर आ जाए तो खुद प्रॉब्लम आया था, वो इधर का अभी इस बारिश में पानी गया नहीं बनाए येलो अंटे चेक इश्यू, डेमोलिशन ब्लू कलर चेक नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज साहब का इंस्पेक्शन अहमदनगर डिवीजन में कराया गया। जो बलकापुर नाले का काम चल रहा है उस काम के लिए खास तौर से कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करके यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि जो बलकापुर नाले का काम है वो थोड़ा स्लो हो रहा था। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खास निगरानी के अंदर ये सैंक्शन हुआ और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के क़यादत के अंदर, मगर ये काम जो इसी तेज़ी से होना है उस तेज़ी से नहीं हो रहा था, जिसके लिए तफसीली दौरा किया गया। उसके साथ साथ ताहिर गली का भी एक दौरा किया गया जहाँ पे वहाँ पे भी एक छोटा सा नाला था जिसमें कॉन्ट्रेक्टर की ताखिर की तरफ से नाले में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। कमिश्नर जी एच एम सी साहब ने पूरा तफसीली दौरा किया और पूरे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये काम फटाफट बार कोटिंग के ऊपर जल्द से जल्द करवा जाए। कुछ थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज है, 6-8 प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को भी एक्वायर करके काम को मुकम्मल कंप्लीट करने के लिए जो फसलान सर सैयद नगर से जो होते हुए आ रहा है नाला, उस नाले को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में साबिका मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन साहब और यहाँ के अहमदनगर के नुमाइंदा कारपेटर सरफराज सिद्दीकी साहब, महमूद हुसैन इंजीनियर साहब, कोऑप्शन मेंबर, तमाम जीएचएमसी के ऑफिसर आज के दौरे में मौजूद थे। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ये नाले का काम तकमील किया जाएगा और नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने भी डेवलपमेंट काम है, जो काम में कॉन्ट्रेक्टर सुस्ती कर रहे हैं, उस काम को वार फुटिंग पे कराने के लिए हम कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करें। और एक अहम जो मसला दिखा आज के दौरे के अंदर सैनिटेशन का, सैनिटेशन के लिए मैं खास तौर से कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट किया हूं कि भाई आप स्वच्छ ऑटो बढ़ाइए ताकि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन जो होना है वो प्रॉपर नहीं हो रहा, जिसके लिए सैनिटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, लोग निकाल के बाहर ओपन पॉइंट्स के अंदर अपना गार्बेज डाल रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने कहा इसके ऊपर रिव्यू करके हम बहुत जल्दी इसके एक कोई ना कोई चीज हल निकालेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जितने भी आज के दौरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतेमदीन, एक्टिव वर्कर, चाहने वाले जो जो मौजूद थे, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।